हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चीज पराठा। ये देखिए मेल्टेड चीज जो बच्चों को बहुत पसंद है, तो चलिए फटाफट चीज पराठा बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे चीज पराठा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे चीज लिया है, तो सबसे पहले हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। इसे मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, चीज को मैंने ग्रेट कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओरिगैनो डाल रही हूँ थोड़ी सी, और यहीं पे मैं कुटी लाल मिर्ची डाल रही हूँ यानी कि चिली फ्लेक्स, और यहीं पे मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो वेजिटेबल भी डाल सकते, लेकिन मैं यहाँ वेजिस नहीं डाल रही हूँ, बस मैं चीज पराठा बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है और एक कप गेहूं का आटा लिया है, और मैंने इसे चाल लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी एक चुटकी नमक। नमक का इस्तेमाल हमें ध्यान से करना है, क्योंकि चीज में भी नमक होता है। और दो चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और अच्छे से मिला लेना है इसे, पहले इसकी अच्छे से मिला लेंगे, तब इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छे से मल लेना इसे, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मल लिया है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मलेंगे हम इसे। नॉर्मल पानी लिया है मैंने। अच्छा सा एक डो बना लेना है, मुलायम सा इसका। तो देखिए दोस्तों, डो मेरा तैयार हो चुका है। तो इसे 10 मिनट के लिए रख देना है साइड में, ताकि ये और मुलायम और नरम चिकना हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने ये आटा ले लिया है अपना, तो इसकी मालिश करते हुए इसे मैं कट कर ले रही हूँ। तीन पराठा बनने वाला इससे, तो इसे बना लेना है रोटी की तरह, बेल लेना है अच्छे से। इसे बेल लेना है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, इसे पतला बेल लेना है और थोड़े आटे की डस्टिंग कर लेना है, ताकि ये अच्छे से पतला बेल जाए। तो ये देखिए, जब ये झलकने लगेगा, इतना पतला बेलना है इसे। तो फ्रेंड्स, ये रोटी मेरी बिला चुकी है यानी बन चुकी है। तो क्या करना है, साइड साइड से घी या ऑयल लगा लेना है। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। यस, ताकि इसकी लेयर खुले, इसलिए घी लगा देना है। तो ये चीज बीच में रख देना है इसके। अब क्या करना है, ये साइड से ऐसे लाके हाफ फोल्ड कर देना है ये वाला, और फिर ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रख देना है, और फिर ये वाला ऐसे और ये ऐसे। अब क्या करना है, इसी साइड से हमें बेलना है इसे। तो ये पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है और उनके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही भाता है बच्चों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी साइड से हमें बेलना है, ताकि ये लाइन है कवर हो जाए। दोस्तों, पराठा मेरा बेल चुका है, बेला गया है, और यहीं पे मैंने गरम कर लिया है, तो इस पे भी मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, फैला दे रही हूँ, और इसी पे अपने पराठे को रख। देखिए दोस्तों, मैं पराठे को पलट ले रही हूँ, तो कलर देखिए बढ़िया बन रहा है। और प्रोटीन से भरपूर बन रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, पराठा कितना बढ़िया कलर आया इसका। Thank you.
अलगते पलगते इसे पका लेना है। तो ये चीज पराठा रेडी हो गया है, तो अपने फटाफट बच्चों को सर्व करिए। एकदम क्रिस्पी बना लेना है। सो फ्रेंड्स, ये पराठा देखिए रेडी हो चुका है। ये चीज पराठा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, चीज पराठा रेडी हो चुका है। तो मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। दोस्तों ये चीज पराठा कैसा बना है और चीज कितनी मेल्ट हो चुकी है, पिघल गई है चीज। तो ये चीज पराठा रेडी हो चुका है, बिल्कुल पिज्जा की तरह लगता है इसका टेस्ट। और इसे मैंने सेजवान चट्टी के साथ सर्व किया है और बच्चों को ऐसे ही कट करके खिलाइए, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो ये सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस नाश्ता तैयार हो चुका है, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो ये झटपट तैयार हो जाता है, तो फटाफट बना लीजिए। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल